दोस्तों, जो RCET का एग्ज़ाम आज 21 फरवरी 2021 को हुआ है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के टोटल जो 35 क्वेश्चन हैं उनके आंसर के बारे में। तो दोस्तों, मेरे पास ये बी सीरीज़ की बुकलेट है। अगर आपके पास ए सीरीज़ की बुकलेट है या फिर सी सीरीज़ की है या डी सीरीज़ की है, तो आप उस बुकलेट को अपने पास में रखिए, क्योंकि इस बी सीरीज़ से आपको मैं हर क्वेश्चन के साथ उसके आंसर का सॉल्यूशन बताऊंगा भी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आप अपने उस बुकलेट में टिक मार्क कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि RCET एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बी सीरीज का पहला क्वेश्चन, मैं ईमेल द्वारा उपयोगकर्ता को एक लिंक पर क्लिक करने उनके व्यक्तिगत डाटा को दर्ज करने के लिए कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा फिशिंग अटैक। यानी कि पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अगर सेकंड क्वेश्चन का अगर आपने सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, सी ऑप्शन सही किया है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर तीन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो जिस स्टूडेंट ने ये डी ऑप्शन सही किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार, CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है, तो सही आंसर रहेगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि बर्निंग। बर्निंग, जब हम CD या DVD राइटर को डाटा उसमें स्टोर करते हैं तो उसे बर्निंग कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो SMTP का पूरा रूप जो ए ऑप्शन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा पांच नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर छह, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले या देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, किस कमांड का उपयोग होता है? तो इसका सी ऑप्शन, यानी कि प्रिंट प्रीव, इसका सही ऑप्शन रहेगा छह नंबर क्वेश्चन का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर सात, मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एनिक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है, तो सही आंसर इसका डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि सात नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, MS Word 2010 में एक स्थान या पाठ को चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा बुक मार्क, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है आठ नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन है, जो निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित विकल्पों में एक ईमेल पते का वैध उदाहरण है, यानी कि सही ईमेल एड्रेस का एड्रेस जो होता है वो कौन सा होता है? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, RCIT@VMOU.AC.IN। तो इस तरीके के जो ईमेल आईडी होते हैं वो इस तरीके के फॉर्मेट में होती है, यानी कि 10 नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, MWCS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि MWCS कुछ नहीं होता, MWC होता है। अगर MWC है तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन है, जो मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये 11 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, VMOU@RCIT123, क्योंकि जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, और स्पेशल करेक्टर भी हो, और न्यूमेरिकल की भी हो, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, UPI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि UPI की फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। 13 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पीडीएफ को डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एमएस वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जीमेल ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, तो ये कोई वेब ब्राउजर नहीं होता है। तो डी ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 14 का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के लिए सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाइंट क्लाउड इनेबल है। तो सही ऑप्शन इसका 16 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि राजमेघ। क्वेश्चन नंबर 17, एमएस वर्ड 2010 में बुलेट नंबरिंग टैब में होता है। तो सही आंसर इसका होम टैब, सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विंडो 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका किसका उपयोग के लिए होता है विंडो 10 में। तो सही आंसर इसका रह जाएगा बी ऑप्शन, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, आप कंप्यूटर सिस्टम को गति भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गित कर सकते हैं, इसमें सही विकल्प का कौन सा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गति भंडारण और के सुपर कंप्यूटर मेन फर्पियम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का सही ऑप्शन होता है, इसको वर्गित कर सकते हैं, यानी कि इम्पैक्ट और ये नॉन इम्पैक्ट नहीं हो सकता, माउस नहीं हो सकता, जीमेल यूमेल नहीं हो सकता। तो 19 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से का मिलान कीजिए। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम एक ब्राउजर है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो इस तरीके से जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होएगा, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का वन और थर्ड का थर्ड। तो वन का सेकंड, टू का वन और थर्ड का थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट डेटा को बिंदु वास्तविक मूल्य होता है। तो वास्तविक मूल्य होता है जो डेटा लेबल होता है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिन स्टूडेंट ने ये डी ऑप्शन सेलेक्ट किया 21 नंबर क्वेश्चन का, वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको यह चुनने में शक्षर मनाता है कि दस्तावेज किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को दाएं से बाएं मार्जिन में कितनी दूरी पर लेके जाना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इंडेंट का। क्वेश्चन नंबर 23, और क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। तो इसका जो फर्स्ट ए ऑप्शन है 23 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो किसी शब्द के यहाँ पे फुट में लगता है वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और हेड पे जो लगता है जिसे हम पावर बोलते हैं वो सबस्क्रिप्ट होता है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइन मेमोरी है और वक्त्या सेकंड रोम एक नॉन वोलेटाइन मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वक्त्या एक गलत है और वक्त्या दो सही है, यानी कि सेकंड मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जिन स्टूडेंट ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसे स्टार्ट मेन्यू होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा टास्क बार। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मोडेम के लिए संक्षिप्त नाम है, यानी कि मोडेम एक मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी ई मित्रा वेब पोर्टल का उपयोग करके लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो बिजली पानी का हम भुगतान कर सकते हैं, पानी बिल भी हम भुगतान कर सकते हैं, बिजली का भी कर सकते हैं, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं, मोबाइल के बीच में फाइलें साझा करना। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि हम ई मित्र से मोबाइलों के बीच में फाइलें साझा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 28, का उपयोग करके दो या अधिक से मोबाइल उपकरणों के बीच में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 29, कॉम्बिनेशन कुंजी है, तो एल्ट कंट्रोल और शिफ्ट होता है जो कॉम्बिनेशन की होती है। तो यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। तो क्वेश्चन नंबर 30, एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? तो सही आंसर इसका, व्यूंग क्षेत्र को बढ़ाया या घटाकर देखने के लिए, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रिज पेन कमांड का उपयोग क्या है? तो इसका बी ऑप्शन, रो और कॉलम शीर्ष को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल ना करें। तो 31 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मान लीजिए एक एमएस एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बराबर मिनिमम B1 कॉमा मिनिमम B2 B3। तो इस तरीके से 32 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33, स्क्रीन लॉक विकल्प को नो डॉट्स को एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉयड डिवाइस का अनलॉक करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पैटर्न लॉक। तो 33 नंबर क्वेश्चन का पैटर्न यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। SSO सिंगल साइन का उद्देश्य क्या है? हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, या ये सभी? तो यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 35, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में को नहीं डाला जा सकता, गणितीय समीकरण भी डाल सकते हैं, वीडियो फाइल भी डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल भी डाल सकते हैं, लेकिन मोडेम को नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से 35 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो